स्वागत है न्यूज 18 में। मैं बोल सकते हैं आपके साथ आई मजा डाल लेते हैं 5 रुपए में 25 बड़ी खबरों की ओर। अमित शाह ने भारत को लेकर के भविष्यवाणी करी, उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बाद भारत नंबर 1 पोजीशन पर होगा। ममता बनर्जी को बंगाल में टक्कर देने के लिए सौरभ गांगुली आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज अमित शाह को उन्होंने डिनर पर बुलाया। मोदी सरकार सही कार्य कर रही है और साथ ही कांग्रेस को देश से गायब हो जाना चाहिए। तेलंगाना को लेकर के नुकसान के राज्य होने के बावजूद भी राज्य बनाया गया था, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मिलकर के गेम खेल रहे हैं। वारंगल में राहुल गांधी बोले कि इस बार शिक्षित लोगों को ही टिकट दिया जाएगा और साथ ही अगर हम चुनाव जीते तो किसानों का कर्ज माफ होगा। सरकार ने बिजली संयंत्रों को जितने भी अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को 1947 के बाद से गलत नीतियों के नतीजे भुगतने पड़े। फिर बेनकाब होता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। आप सभी को बता दूं कि सेना ने आतंकवादियों के रास खोले और उन्हें मार भी गिराया। और साथ ही साथ लीडरशिप और कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस खुद ही गिरती हुई नजर आ रही है। क्या वह आने वाले चुनाव में जीत पाएगी, यह सोचने का विषय है। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह 54,000 से बढ़कर के 90,000 तक पहुंचेगी, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल आया है, पिछले 24 घंटे में 1656 नए मामले सामने आए। सीख देने वालों को भारत का सीधा जवाब आया है, उन्होंने कहा कि युद्ध में कोई भी नहीं जीतेगा। वरुण गांधी का बीजेपी लीडरशिप पर टंच, उन्होंने कहा कि लोग याद नहीं रखते कि आपने कितने चुनाव जीते। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने दिया संकेत, उन्होंने कहा कि 10 मई से पहले हो सकती है नियुक्ति। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को लाउड स्पीकर को लेकर के एक नियम बनाना पड़ेगा और यह जल्द ही बनाने की आवश्यकता है। अमित शाह ने भारत को लेकर के भविष्यवाणी करी, उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बाद भारत नंबर 1 पोजीशन पर होगा। ममता बनर्जी को बंगाल में टक्कर देने के लिए सौरभ गांगुली आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज अमित शाह को उन्होंने डिनर पर बुलाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सही कार्य कर रही है और साथ ही कांग्रेस को देश से गायब हो जाना चाहिए। तेलंगाना को लेकर के नुकसान के राज्य होने के बावजूद भी राज्य बनाया गया था, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मिलकर के गेम खेल रहे हैं। वारंगल में राहुल गांधी बोले कि इस बार शिक्षित लोगों को ही टिकट दिया जाएगा और साथ ही अगर हम चुनाव जीते तो किसानों का कर्ज माफ होगा। सरकार ने बिजली संयंत्रों को जितने भी अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को 1947 के बाद से गलत नीतियों के नतीजे भुगतने पड़े। फिर बेनकाब होता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। आप सभी को बता दूं कि सेना ने आतंकवादियों के रास खोले और उन्हें मार भी गिराया। और साथ ही साथ लीडरशिप और कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस खुद ही गिरती हुई नजर आ रही है। क्या वह आने वाले चुनाव में जीत पाएगी, यह सोचने का विषय है। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह 54,000 से बढ़कर के 90,000 तक पहुंचेगी, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।